हेलो भाइयों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमरेश पटेल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गैरेनाई के गेमर्स में। तो हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है। आज मैं क्लास क्वाड रैंकड एक बार दोबारा खेलने जा रहा हूँ, तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें सस्पेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे फर्स्ट जो कि 3 राउंड्स हुए थे उन 3 राउंड में हम हार चुके थे, एकदम बुरी तरीके से हारे थे। लेकिन 3 राउंड्स के ये एक मिनट इसका 15 का हेड लगा एक, और ये हमने डाउन कर दिया ये सामने वाला। एक मिनट ओहो ओ, मैं नीचे गिर गया, तो मैं नीचे गिर गया जिसके कारण मैं नॉक हो गया। सामने मेरे एक और अपोजिट टीम का बंदा नॉक पड़ा है, तो 3 राउंड्स हमारी डिफ़ीट हो जाती है। और उसके बाद जो राउंड स्टार्ट होते हैं उनके 3 राउंड्स हम एकदम ओपी वाला मैच खेलते, मज़ा आ जाता है। मतलब मेरे 1 राउंड में लास्ट राउंड जो कि था उसमें एकदम ओपी वाला किल हुआ है, तो 3 बंदों को मैंने अकेले मार दिया था। 3 बंदों को मैंने अकेले मार दिया था, वो तीनों एक छत पे चले गए थे, तो वहीं पे मैंने मार दिया उन तीनों को शॉटगन से। तो आप देख लीजिएगा कि कितना बुरी तरीके से मैं मारता हूँ। तो ये अभी तक हमें एक ये तो हमें एक किल मिल चुका है हमारा, जिसे हमने नॉक किया था। ओहो, ये साथी भी नॉक हो गया, जल्दी रिवाइव दे दे भाई। तो नॉक हो गया, ये पीछे से मार रहा। ओ भाग भाग भाग, जल्दी भाग। एक मिनट नॉक। चलो अब आशा नहीं कर सकते कि ये एकदम जीतेंगे या नहीं। तो आपको क्या लगता है, बुया होगा या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर, आपको तो पता ही है बुया होगा ही, उसमें क्या है, आपको सभी पता है। तो हमेशा बुया वाली वीडियो डालते हैं, तो आगे देखिए ये दोनों हमारे साथ ही क्या कुछ खास कर पाएंगे या फिर नहीं। तो देखते हैं, ये गया, ये तो स्टार्टिंग में ही नॉक हो गया और ये मर गया। तो मतलब यहाँ ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, गिर गए तो सीधा नॉक, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बच जाओगे ऊपर इतनी ऊंचाई से गिरने पे। तो वो तो नॉक हो गया, अब एक अकेला बचा है, तो ये भी नीचे कूदेगा और इसके साथ हमारा डिफीट हो जाएगा। तो देखिए कैसा होता है अगला मैच, इसके बाद वाला मैच। तो जल्दी से मर जा भाई, ये कूद गया, मतलब नीचे गिरने से पहले ही वो मेडिकिट ख़त्म हो जाती है। हम मतलब वो नीचे गिरा ही नहीं और उससे पहले ही वो मर गया, बताइए। डिफीट हवा में ही हो गया। आपको लगता है कभी हवा में खून चल जाता है, हवा में ही लोग मर जाते हैं क्या, हो कि नीचे ज़मीन पर गिरने के बाद मरते हैं? तो खैर, ये इनका रूल है फ्री फायर वालों का, जैसा भी रूल हो। तो अब हम अपना सेकेंड राउंड देखते हैं। तो सेकंड राउंड में ओहो, मतलब 3 बंदों के ऊपर मैं चढ़ा था। मेरे ऊपर कोई चढ़ता है ना तो मैं साइड हट जाता हूँ, मैं चढ़ने ही नहीं देता किसी को। और तुम आप लोग कहोगे कि ये तू किसी को नहीं चढ़ने देता और सबके ऊपर चढ़ता है, तो मैं बता दूँ कि सब दूसरों के ऊपर चढ़ना चाहते लेकिन अपने ऊपर किसी को नहीं चढ़ाना चाहते सिवाय अपने फैमिली को। तो इसे शांति से हम इस गेम को खेलेंगे। तो मैं पीछे से अटैक करना चाहूँगा, पीछे से अटैक करने में मज़ा आ जाता है, मतलब कोई हेल्थ वेल्थ घटती नहीं है। तो आप लोगों को मेरा कैरेक्टर कैसा लग रहा है, आप सोचेंगे कि है लड़का और लड़की का कैरेक्टर लेके घूम रहा है। तो ये आज मैंने सोचा कोई बात नहीं, बहुत से मैंने लड़कियों के कैरेक्टर लिए बहुत बार। तो हमारे पास है फामास, ये AUG है फामास। अच्छा, आप सोचोगे गन का ही नाम नहीं पता, मुझे ध्यान नहीं आता गन का नाम, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि हमें कुछ चीज़ याद रहती है, मतलब माइंड में रहता है लेकिन याद नहीं रहता। तो वैसे ही है, मुझे ये नाम का गन का याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो खैर चलते हैं आगे की तरफ, बस हम नॉक तो हो ही चुके हैं। सामने वाला बंदा अगर जो जिसने चिमकांडी ने, ये आगे चिमकांडी, ओ चिमकांडी यार मत मार यार, तो इस चिमकांडी ने मार ही दिया आखिर, और खुद भी नॉक हो गया। तो वो चिमकांडी ने हमें मारा लेकिन खुद भी नॉट हो गया, नॉक हो गया। तो अब ये सिर्फ बंदा बचा है, मतलब हमारे टीम के 2 बंदे बचे हैं। तो चिमकांडिया कुछ तो करो, शर्म नहीं आ रही, शर्म आ रही है तुम्हें एक भी, कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब इधर से उधर घूम रही। ये फंस गया, तो ये फंस गया बुरी तरीके से फंस गया ये तो। अब ये देखो, मतलब यहाँ घुसने की क्या ज़रूरत थी, लड़ते मरो या मारो यही चीज़ आनी चाहिए ना आप लोगों को।
मैं तो दो ही चीज चुनता हूँ, या तो मरो या फिर मारो। तो ये गेम है भाई, गेम में क्या डरना, सीधा जाओ मारो, उसमें क्या लेना देना है ना। तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग के 2 राउंड जीत हार चुके हैं हम, और वो जीत गए। ये 3rd राउंड आ गया, तो देखते हैं, जब तक बोया हो नहीं जाएगा तब तक हम हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे हम। तो जल्दी से जोन हट जाए, ये रेड जोन तो हट गया जल्दी से, तो मैं जल्दी भागता हूँ फटाफट। ओहो, कहाँ से अटैक कर रहे हो भाई? अरे यार, तो मतलब इतनी बुरी तरीके से कौन अटैक करता है? सीधा अटैक करो ना, सामने आके ऊपर से चढ़ के अटैक करें। तो ये एक सामने बनता है, एक घंटे घंटे मैं ही मारूंगा इसे, मैं ही किल लूंगा, मुझे ही किल लेने दो। तो एक हेड लगा, तो हेड की मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मुझे सिर्फ किल चाहिए। हेड जब तक मैं हेड शॉट लगाने की कोशिश करूँगा तब तक मैं तो वो ख़त्म कर दूँ। ओहो, इतना मतलब, तो ये इधर बंदा आ रहा है, इधर मेडिकेट भरना सही नहीं रहेगा, तो वो चला गया, कोई बात नहीं। मतलब इतना हमारा मेडिकेट, मतलब इतनी हेल्थ घटा दी कि बोन बीटा, 2 बोन बीटा भी अब कम पड़ जाएंगे, 2 डब्बे भी। तो हमारे पास एक भी बोन बीटा नहीं है, या फिर एक है, मतलब क्लियर समझ में नहीं आ रहा। तो 0 हमारे पास बोन बीटा था, उन 0 बोन बीटा में हम कर दें क्या? मतलब एक भी नहीं था। तो अब आ गया ये राउंड 4। तो अगर जो ये राउंड 4 हम हार गए, यानी कि इसके बाद से एक भी राउंड अब हार गए, तो हो जाएगा उनका बुआ। तो अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, सस्पेंस काफ़ी ज़्यादा है इस मैच में, क्लास स्क्वाड रैंकिंग में, तो सस्पेंस रखिए। और आप देखिए कि मेरा बुआ होगा या नहीं होगा इस राउंड में। तो हम आगे निकलते हैं फटाफट, तो हम पीछे की तरफ से जाएंगे और पीछे से ही अटैक करेंगे, क्योंकि वो लोग मेरे साथ ही उधर उन्हें उलझाए रखेंगे। तो मैं इधर पीछे से जाके उन पर अटैक करूँगा, तो आसानी से वो मारे जाएंगे। तो देखिए ये 1 मिनट, एक ये यहीं है पे, यहीं पे। ओहो, 33 का सिर्फ डैमेज लगा। तो यहाँ बैठ कर मैं मारूँगा एक एक। तो ये एक पहला डाउन, ये 1 मिनट 1 मिनट, तो इसे पहले ख़त्म कर देता हूँ। 2 हेड, तो इन्होंने जोन मतलब ग्लू वॉल लगा लिया भाई। ग्लू वॉल पूरा खेल सत्यानाश कर देता है, मतलब एकदम खेल सत्यानाश कर देता है ये ग्लू वॉल। तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये डाउन, एक और डाउन हो गया, जल्दी से जल्दी से। 1 मिनट 1 मिनट, इससे पहले ग्लू वॉल लगाए, मैं मार देता हूँ फटाफट। तो वो लोग अंदर चले गए, मैं ऊपर जाता हूँ फटाफट जल्दी से, तो इससे पहले वो रिवाइव दे दे, मुझे जल्दी ही जाना पड़ेगा। ओहो, इतना फास्ट गया कि मैं नीचे उतर गया। फिर से ग्लू वॉल भैया, ऐसे ग्लू वॉल नहीं लगाना चाहिए ना, ग्लू वॉल पूरा माइंड ख़राब कर देता है। तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये डाउन डाउन डाउन, और ये डाउन हो गया, मुझे भी डाउन नॉक कर दिया इन्होंने। तो मैंने उसे नॉक कर दिया और उन्होंने मुझे भी नॉक कर दिया, वो जिसे मैंने नॉक किया उसे रिवाइव दे दिया। ये देखिए, अब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मैंने जिसे नॉक किया उन्होंने उसे रिवाइव दे दिया, और उन्होंने मुझे नॉक कर दिया। अब मुझे कौन रिवाइव देगा, मैं तो वहाँ था। तो एक बंदा उधर, ओहो, तो ये 1st राउंड हम जीत गए, वाओ। लेकिन हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम नॉक सिर्फ नॉक फर्स्ट राउंड नॉक, ही जीते हैं देखो अपना, कौन मतलब आया, एक तेरा राउंड भी हम बाप जीते हैं। आया। अभी तो तो इसी हमें तरह हमने 3 और राउंड मार दिया जीतने उनसे, हैं, तो और अगर जो वो अभी तक एक कोई राउंड बंदा भी नहीं जीत दिख रहा। गए एक तो रिवाइव के तो हमारे हाथों से तरीके में एक निकल रिवाइव जाएगा चाहिए, बुया। और एक पता नहीं कहाँ तो इस घूम रहा है, बार मतलब हम ट्राई कहाँ हो करेंगे भैया, ये रहा, एक और मिनट भी भैया बढ़िया खेलने की, ये अंदर है। खेल तो फटाफट इधर से जाऊंगा, मैं पीछे से जाना पसंद करूंगा। तो एक बार हम पीछे से गए थे तो एक ही बंदा मुझे मिला था, तो इस बार देखते हैं, तो देखते हैं इस बार कैसा मज़ा आएगा। अगर जो ये राउंड भी हम जीत गए ना, फिर तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। क्या नहीं जा सकता कि कितने राउंड हम जीत सकते हैं अभी या नहीं, मतलब बोया हम पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो 3 राउंड जीत गए और हम सिर्फ अभी एक ही राउंड जीते हैं। तो फटाफट हम ढूंढते हैं बंदों को। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये गया 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 गया, नॉक। तो इसी से मुझे एक गाना याद आ गया, एक गाना आ गया मुझे इसी से याद आ गया, नॉक 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 तेरा बाप आया, नॉक 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 तेरा बाप आया, तेरे पापों का बेहिसाब आया,
तो गाना बढ़िया लगा हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। और एक चीज़, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना तो भूलिएगा मत। तो एक बार वहाँ छिपा हुआ है ना, एक मिनट गोली चला रहा हूँ, लेकिन वहाँ मेरे एक साथी ने उसे मार दिया। तो ये राउंड भी हम जीत चुके हैं। ये हमारे सेकंड राउंड था जिसमें हम विक्ट्री पाए हैं। तो अब ये थर्ड राउंड होने वाला है, तो देखते हैं ये हमारा थर्ड राउंड जिसमें हम विक्ट्री कर पाएंगे या नहीं। तो हम अपनी फुल ट्राई करेंगे। तो इस जगह पे मैं हमेशा तो नहीं लेता ये गन, लेकिन इस बार मैं कार 98 इस जगह पर लूँगा। तो सोच रहा हूँ कार 98 ही ले लेते हैं, क्योंकि हेड लगाने में काफ़ी मज़ा आ जाएगा कार 98 से। तो फटाफट एक गन ले लेते हैं हम कार 98। तो ले लिया हमने कार 98 और जल्दी से भागते हैं। तो जल्दी से जाएंगे और एकदम स्कोप लगा के कार 98 से धा हेडशॉट लगाएंगे। तो जल्दी से मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आगे तरफ से जाता हूं तो बंदों को पता चल जाता है। तो वो बंदा एक खड़ा है, तो जल्दी से कार 98 निकालते हैं। तो उस बंदे को कार 98 से मारेंगे, क्योंकि कार 98 से मारेंगे तो मज़ा आएगा। बैठा हूँ, स्कोप लगाया, हेड 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 हेड, और ये 462 का हेड, मज़ा आ गया 462 का हेड। तो अब यहाँ कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा, तो चिमकांडी तो गया, 468 का हेड हमने दिया। तो जल्दी से जाते हैं, अब आगे देखते हैं। ये एक मिनट इसे गन से मारेंगे, एक मिनट ये गया, एक मिनट, और ये इसे काफ़ी कम लगा हेड शॉट, तो हेड शॉट लगा नहीं इसे मारते हैं। ये डाउन हो गया, डाउन डाउन, ये डाउन। तो वो पता नहीं बंदा कहाँ गायब हो गया। अरे भाई कहाँ छिप गए, दिख जाओ सामने आओ, छिप कहाँ गए आप, हमारे यहाँ तो ही मरना है आपको। तो ये जो नॉक था वो मर गया। तो उस बंदे को हम सभी मिलकर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं सबसे पहले अपनी मेडिकेट भर लेता हूँ, मुझे बोर्न बीटा की नीड है दोस्तों। ये सामने आ गए, एक मिनट। तो ये किल मैं लेना चाहता था, लेकिन मेरे साथी ने इसे मार दिया। कोई बात नहीं, ये थर्ड राउंड भी हम जीत चुके हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि इस फोर्थ राउंड में हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हम दोनों टीम्स के स्कोर बराबर हो गए हैं, 3-3। तो अगर जो जिसके 4 हो गए, जो ये राउंड जीत गया, तो वो तो बूया लेकर ही मानेगा। तो अब आपको क्या लगता है कि कौन हम में से जीतेगा। तो ओहो, एक प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम वापस सही हो गई, क्योंकि मेरे में अब इंटरनेट काफ़ी कम बचा है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब कहा नहीं जा सकता कि हमारा ये मैच कैसा होगा। तो सामने वाली टीम भी लगी होगी एकदम से बढ़िया मैच जाए, उन्हें बोया करना जो है। तो जल्दी से चलते हैं ऊपर ही, जाके मैं तीनों को खलास करूँगा, देखना कितना मज़ा आ जाएगा। तो एक मिनट, शॉट गन ले रखी है, ये एक नॉक, ये दूसरा नॉक, ये तीसरा नॉक। तो मैं खड़ा होके राजा बन के तीनों को नॉक कर दिया, ये भी नॉक। तो ये राउंड में हमने तीनों को नॉक कर दिया, ये एक मिनट, और मैं खुद भी नॉक हो गया, मैं खुद भी नॉक हो गया, इस बंदे ने मुझे नॉक कर दिया। तो मैं फटाफट जाऊंगा, कोई मुझे रिवाइव दे दो यार, हो कोई कोई रिवाइव दे दो जल्दी से। तो मुझे रिवाइव की ज़रूरत है, और एक बंदे को उसने नॉक कर दिया। अरे यार जिता दो, मैंने तीन को अकेले खलास किया है, कोई तो इसे जिता दो भाइयों। तो मेरा भी दो साथी जिंदा हैं और हम एक मर गया, मैं अकेला हूँ जो कि नॉक की ज़रूरत है। तो कोई जिता दो यार, ओ तो ये गोली चल रही है, मार रहा है किसी को एक साथी, मैं मर गया। और ये क्या, बूया। तो हमारा हो गया फाइनली बूया दोस्तों, मज़ा आ गया। तो हम बूया के एकदम करीब थे, और हमने 3 राउंड हम हार गए थे, और ये राउंड हम बूया हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। आगे देखिए, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। तो हम गोल्ड थर्ड पे पहुंच चुके हैं, मतलब गोल्ड थर्ड क्या, गोल्ड फोर्थ पे हम पहुंचने वाले हैं। तो आप भी फ्री फायर उसी वक्त खेलिएगा जब आपके पास फ्री टाइम हो। मेरे पास भी फ्री टाइम था, इसीलिए मैं फ्री फायर खेल रहा था। तो देखते हैं हमारे कितने किल हैं, और मैन ऑफ द मैच कौन है इस राउंड का, शायद मैं ही हूँ। ये दोनों मैन ऑफ द मैच भी, और मैन ऑफ द, तो 9 किल के साथ हमने बूया किया। और ये लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।